आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 306 कंप्यूटर नेटवर्क में सेकंड यूनिट नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग में थर्ड टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। IPv4 द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी IPv4 इज द डिलीवरी मैकेनिज्म यूज्ड बाय द TCP/IP प्रोटोकॉल्स। यह प्रोटोकॉल एक डिलीवरी मैकेनिज्म है जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल्स द्वारा यूज्ड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है पोजीशन ऑफ IPv4 इन TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है वो नेटवर्क लेयर द्वारा डिफाइन किया जाता है, जो कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। IPv4 की पोजीशन नेटवर्क लेयर पे होती है। IPv4 इज एन अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। IPv4 प्रोटोकॉल एक अनरिलायबल और कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, अर्थात यह बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ बेस्ट एफर्ट से तात्पर्य यह है कि IPv4 एरर कंट्रोल तथा फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता है, केवल एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो भी IP हेडर के लिए। यदि रिलायबिलिटी महत्वपूर्ण हो तब IPv4 को रिलायबल प्रोटोकॉल जैसे कि TCP के साथ पेयर्ड किया जाता है, क्योंकि वैसे तो IPv4 वो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, पर यदि आपको रिलायबिलिटी की आवश्यकता हो तो अपर लेयर में TCP प्रोटोकॉल के साथ इसको पेयर किया जाता है। IPv4 डज इट बेस्ट टू गेट ए ट्रांसमिशन थ्रू इट्स डेस्टिनेशन बट विद नो गारंटी। IPv4 पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के लिए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है तथा इसके लिए यह डेटाग्राम अप्रोच यूज में लेता है। इस अप्रोच के अंतर्गत प्रत्येक डेटाग्राम को इंडिपेंडेंटली हैंडल किया जाता है, अर्थात प्रत्येक डेटाग्राम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट रूट फॉलो कर सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन तक भेजे गए डेटाग्राम आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं तथा ट्रांसमिशन के दौरान डेटाग्राम लॉस्ट और करप्ट भी हो सकते हैं। IPv4 इन प्रॉब्लम्स के लिए हायर लेवल प्रोटोकॉल्स पर निर्भर करता है। IPv4 डेटाग्राम फॉर्मेट। अब IPv4 डेटाग्राम का फॉर्मेट देखिए। IPv4 में डेटा पैकेट से वो डेटाग्राम कहलाते हैं। डेटाग्राम एक वेरिएबल लेंथ पैकेट होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट और दूसरा डेटा पार्ट, जैसा इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाया गया है। हेडर की साइज है वो 20 से 60 बाइट तक वेरी करती है और डेटा है वो 65535 बाइट तक होता है। टोटल लेंथ IP डेटाग्राम की होती है 65536 बाइट तक, जिसमें से 20 से 60 बाइट तक हेडर होता है। अब IPv4 हेडर का फॉर्मेट देखिए। IPv4 हेडर में इस डेटा डायग्राम में जो फील्ड दर्शाई गई हैं, जैसे वर्जन 4 बिट्स, हेडर लेंथ 4 बिट्स, सर्विसेज 8 बिट्स, टोटल लेंथ 16 बिट्स, आइडेंटिफिकेशन 16 बिट्स, फ्लैग्स 3 बिट्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 13 बिट्स, टाइम टू लिव 8 बिट्स, प्रोटोकॉल 8 बिट्स, हेडर चेकसम 16 बिट्स, सोर्स IP एड्रेस 32 बिट्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस 32 बिट्स। यहाँ तक हेडर की लेंथ है वो फिक्स होती है 20 बाइट्स और यदि ऑप्शन और ऐड होते हैं हेडर में तो वो 60 बाइट तक ऐड हो सकते हैं। हेडर की साइज 20 से 60 बाइट तक हो सकती है। हेडर में राउटिंग तथा डेटा डिलीवरी से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है। अब हम एक एक करके हेडर की निम्नलिखित जो फील्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। IP डेटाग्राम फॉर्मेट, पहला इसमें वर्जन VER, वर्जन ऑफ द IP प्रोटोकॉल करंटली द वर्जन इज 4। यह 4 बिट की फील्ड होती है जो IP प्रोटोकॉल के वर्जन को डिफाइन करती है।
वर्तमान समय में आईपी प्रोटोकॉल का वर्जन 4 यूज में लिया जा रहा है, जिसे नियर फ्यूचर में वर्जन 6 द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हेडर लेंथ। यह 4 बिट की फील्ड है जो कि डेटाग्राम हेडर की टोटल लेंथ को डिफाइन करती है। हेडर की लेंथ वेरिएबल यानी बिटवीन 20 to 60 बाइट। जब हेडर में कोई ऑप्शन नहीं होता है तब इसकी लेंथ 20 बाइट होती है, और जब हेडर में ऑप्शन होते हैं तो इसकी साइज 60 बाइट तक होती है। हेडर फील्ड की वैल्यू, जब इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है तब इसकी वैल्यू होती है 5 × 4 = 20, और जब इसमें ऑप्शन फील्ड होता है तब हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू है वो 15 होती है, तो 15 × 4 = 60। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ऑप्शन फील्ड हेडर में उपस्थित हो तब हेडर लेंथ यानी HLEN फील्ड की वैल्यू होती है 15, और जब नहीं होते हैं ऑप्शन तब इसकी वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट इसमें है सर्विसेज। इस फील्ड को पहले सर्विस टाइप कहा जाता था, परंतु आजकल इसको डिफरेंशिएटेड सर्विस कहा जाता है। इस फील्ड में टोटल 8 बिट होती हैं, जिसमें MSB से लेके 3 बिट हैं वो रिजर्व होती है, यानी वो प्रोसीजर के लिए रिजर्व होती है। नेक्स्ट 4 बिट हैं वो TOS बिट कहलाती है, यानी टाइप ऑफ सर्विस बिट, और LSB है वो रिजर्व होती है। तो जो टाइप ऑफ सर्विस बिट्स होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं, D यानी मिनिमाइज डिले, T मैक्सिमाइज थ्रोपुट, R मतलब मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, और C मतलब मिनिमाइज कॉस्ट यानी DTRC। ये होती हैं टाइप ऑफ सर्विसेज बिट। नेक्स्ट इसमें आता है आपका टोटल लेंथ। इस फील्ड की साइज 16 बिट होती है, जो कि आईपी डेटाग्राम की टोटल लेंथ अर्थात हेडर प्लस डेटा को डिफाइन करती है। अपर लेयर से प्राप्त होने वाले डेटा की लेंथ ज्ञात करने के लिए टोटल लेंथ में से हेडर लेंथ को घटाया जाता है। लेंथ ऑफ डेटा इक्वल टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ। नेक्स्ट है इसमें आइडेंटिफिकेशन। इस फील्ड का उपयोग फ्रेगमेंटेशन में किया जाता है, जो आगे डिस्कस करेंगे। फ्लैग, इस फील्ड की साइज 3 बिट होती है, इसका भी उपयोग फ्रेगमेंटेशन में होता है। और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, इसकी साइज 13 बिट होती है, इसका भी फ्रेगमेंटेशन में उपयोग होता है। नेक्स्ट है टाइम टू लिव। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स विजिटेड बाई द डेटाग्राम। इंटरनेट पर ट्रेवलिंग के दौरान डेटाग्राम की लिमिटेड लाइफ होती है। टाइम टू लिव फील्ड द्वारा एक टाइम स्टाम्प होल्ड किया जाता है। जब डेटाग्राम किसी राउटर के थ्रू गुजरता है तब इस फील्ड की वैल्यू अर्थात टाइम स्टाम्प की वैल्यू 1 कम कर दी जाती है, और जब टाइम स्टाम्प की वैल्यू 0 हो जाती है तब डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इस फील्ड की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद राउटिंग टेबल करप्ट हो सकती है। इस कारण से एक डेटाग्राम लंबे समय तक बिना डेस्टिनेशन होस्ट पर पहुंचे 2 या अधिक राउटर को ट्रेवल करता रहता है, तथा इस फील्ड के द्वारा इस डेटाग्राम की लाइफ को लिमिटेड कर दिया जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट फील्ड है प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइन द हायर लेवल प्रोटोकॉल दैट यूजेज द सर्विस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 लेयर। यह 8 बिट की फील्ड होती है जो हायर लेवल प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है। IPv4 डेटाग्राम कुछ हायर लेवल प्रोटोकॉल जैसे कि TCP, UDP, ICMP, IGMP द्वारा यूज किया जाता है। इस फील्ड के द्वारा फाइनल डेस्टिनेशन के प्रोटोकॉल, जिसमें कि IPv4 डेटाग्राम डिलीवर होने वाला है, को स्पेसिफाई किया जाता है। अब इसके अंदर जो आपको दे रखा है, जैसे ये प्रोटोकॉल फील्ड है जिसमें हायर लेवल प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द प्रोटोकॉल फील्ड डिफाइन टू विच प्रोटोकॉल द डेटा बिलोंग्स। जैसे इसमें वैल्यू भी दे रखी है, वैल्यू अगर 1 है प्रोटोकॉल फील्ड की तो हायर लेवल प्रोटोकॉल होगा ICMP, वैल्यू 2 हो तो हायर लेवल प्रोटोकॉल होगा IGMP, वैल्यू 6 तो TCP, और वैल्यू 17 पे UDP, और वैल्यू 89 पे OSPF। नेक्स्ट इसमें आपकी फील्ड आएगी चेकसम।
चेकसम फील्ड, इस फील्ड का उपयोग एरर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसकी वैल्यू भी 16 बिट होती है। इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज में लिया जाता है। सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स इज द आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स, सोर्स आईपी एड्रेस है वो सोर्स का आईपी एड्रेस होता है। इस फील्ड की साइज भी 32 बिट होती है तथा यह सोर्स के आईपी एड्रेस को बताती है। ट्रांसमिशन के दौरान इस फील्ड की वैल्यू अनचेंज रहती है। डेस्टिनेशन एड्रेस, इस फील्ड की साइज भी 32 बिट होती है तथा यह डेस्टिनेशन के IPv4 एड्रेस को बताती है। ट्रांसमिशन के दौरान इस फील्ड की वैल्यू भी अनचेंज रहती है। टोटल लेंथ फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम इंक्लूडिंग हेडर, ये हम जानते ही हैं। अब एनकैप्सुलेशन ऑफ ए स्मार्ट डेटाग्राम इन एन ईथरनेट फ्रेम, एनकैप्सुलेशन क्या होता है? हम ये जानते हैं कि ईथरनेट में डेटाग्राम है या डेटा है उसकी मिनिमम साइज है वो 46 बाइट्स होनी चाहिए। अगर अपर लेयर से प्राप्त डेटा 46 बाइट से कम होता हो तो कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी पड़ती है, उन बिट्स को कहा जाता है पेंडिंग बिट्स, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एन IPv4 पैकेट हैज अराइव्ड विद द फर्स्ट एड बिट एज शोन, फर्स्ट एड बिट दर्शाई गई है। द रिसीवर डिस्कार्ड द पैकेट वाई, रिसीवर है उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा जिसकी फर्स्ट एड बिट ये हो। क्यों कर देगा? इसका सोल्यूशन देखिए, देयर इज एन एरर इन द पैकेट, द फोर लेफ्ट मोस्ट बिट्स यानी 0100 शो द वर्जन, शुरुआती जो चार लेफ्ट मोस्ट बिट हैं वो वर्जन को दर्शाती हैं। तो इसमें वर्जन दिया है 0100 विच इज़ करेक्ट क्योंकि फोर्थ वर्जन ही है। नेक्स्ट फोर बिट्स यानी 0010 सो एन इनवैलिड हेडर लेंथ, नेक्स्ट फोर बिट है वो हेडर लेंथ की है। तो यहाँ पे हेडर लेंथ जो हेडर फील्ड है उसकी वैल्यू है 2, तो 2 × 4 यानी 8। इस प्रकार यहाँ हेडर की जो लेंथ है वो आई है आपकी 8 बाइट, और हम जानते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ द बाइट्स इन हेडर मस्ट बी 20 बाइट तो मिनिमम होनी चाहिए। सो ये गलत है, तो द पैकेट हैज़ बिन करप्टेड इन ट्रांसमिशन, इसका मतलब जो पैकेट है वो ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट हो गया है, इसलिए रिसीवर उसको डिस्कार्ड कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन एन IPv4 पैकेट द वैल्यू ऑफ SLEN H1000 इन बाइनरी, हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू है वो 1000 है। हाउ मेनी बाइट्स ऑफ ऑप्शंस आर बीइंग कैरीड बाय दिस पैकेट, अब ऑप्शंस के लिए इस पैकेट में कितनी बाइट होंगी ये बताना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, HLEN यानी हेडर लेंथ फील्ड की जो वैल्यू है वो होगी 8, विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन द हेडर इज 8 × 4। हेडर लेंथ फील्ड में जो भी वैल्यू होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलता है वो होती है हेडर की लेंथ। तो 8 × 4 क्या आया, 32 बाइट्स। इसमें से द फर्स्ट 20 बाइट्स आर द बेस हेडर, ये फर्स्ट 20 बाइट तो बेस हेडर होता ही है, फिक्स है। तो नेक्स्ट जो 12 बाइट हो गई वो हो गई आपकी ऑप्शन के लिए, 32 − 20 = 12, ये आपकी ऑप्शन के लिए बाइट्स हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इन एन IPv4 पैकेट द वैल्यू ऑफ HLEN इज 5 यानी हेडर लेंथ फील्ड की वैल्यू 5 है एंड द वैल्यू ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इज हेक्साडेसिमल में दिया गया है 0028, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा आर बीइंग कैरिड बाय द पैकेट, अब डेटा कितना होगा इस पैकेट में। तो हेडर लेंथ है उसकी वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 × 4 किया आ गया आपका 20, यानी हेडर की जो लेंथ हो गई वो 20 बाइट्स हो गया, इसका मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन ऐड नहीं है। अब टोटल लेंथ फील्ड है वो हेक्साडेसिमल में 0028 दिया गया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आया आपका 40 यानी 40 बाइट्स, इसका मतलब डेटा की जो लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ यानी 40 − 20 = 20 बाइट्स, यानी डेटा होगा वो आपका 20 बाइट्स का होगा। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट यानी MTU, MTU क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेटा टू बी एनकैप्सुलेटेड इन ए फ्रेम, डेटा की मैक्सिमम लेंथ होती है जो कि एनकैप्सुलेटेड होगी उसमें। जिसमें हेडर और ट्रेलर दिए गए हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेटा टू बी एनकैप्सुलेटेड इन ए फ्रेम, यानी किसी भी फ्रेम में कितना डेटा
आप एनकैप्सुलेट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके जो प्रोटोकॉल आपने यूज में लेने वाले हो उन पर। देखिए इसमें फ्रेगमेंटेशन जब हम पढ़ेंगे उसमें कवर होगा। MTU फॉर सम नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स, हाइपर चैनल के लिए मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट होगी 65 बाइट, टोकन रिंग 16 MBPS, इसके लिए होगी 17,914 टोकन रिंग 4 MBPS, 4,464 FDDI नेटवर्क के लिए 4,352, ईथरनेट के लिए 1500 बाइट और X.25 के लिए 576 बाइट और PPP प्रोटोकॉल के लिए 296। अब है फील्ड्स रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखिए IPv4 प्रोटोकॉल को अदर फिजिकल नेटवर्क से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए डिजाइनर्स ने IPv4 डेटाग्राम की मैक्सिमम लेंथ 65535 बाइट डिसाइड की। यदि हम 65535 बाइट MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट वाला प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं तब ट्रांसमिशन डिफरेंट होगा तथा मोर इफिशियंट भी होगा, परंतु दूसरे फिजिकल नेटवर्क के लिए हमें डेटाग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए MTU अलग अलग होती है। जैसे मान लो सपोज कीजिए अगर आप ईथरनेट के लिए डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे MTU है 1500 बाइट, जबकि IPv4 में जो डेटाग्राम बना है उसकी साइज होगी 65535 बाइट। तो अब आप ईथरनेट के थ्रू अगर डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हो तो आपको मैक्सिमम डेटा की साइज 1500 बाइट ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इथरनेट के लिए MTU है वो 1500 बाइट है। तो जब दूसरे फिजिकल नेटवर्क के लिए हमें डेटाग्राम को डिवाइड करना पड़ा, यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो फील्ड यूज में ली जाती हैं उनको अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई ए डेटाग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सोर्स होस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड सोर्स एड्रेस मस्ट यूनिकली डिफाइन ए डेटाग्राम एज इट लीव्स द सोर्स कोड। तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड है वो 16 बिट की फील्ड होती है जो डेटाग्राम को आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफिकेशन फील्ड और उसका सोर्स एड्रेस ये दोनों मिलकर किसी डेटाग्राम को यूनिकली डिफाइन करते हैं। जब किसी डेटाग्राम का फ्रेगमेंटेशन किया जाता है तब आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू इस डेटाग्राम के सारे फ्रेगमेंट्स में कॉपी कर दी जाती है। जब किसी डेटाग्राम को आप फ्रेगमेंट करोगे उसके तब उसके प्रत्येक फ्रेगमेंट में आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू कॉपी कर दी जाती है और इसी आइडेंटिफिकेशन नंबर की मदद से डेस्टिनेशन डेटाग्राम को पुनः प्री असेंबल कर लेता है। अब आपका आता है फ्लेक्स। फ्लेक्स देखते हैं। फ्लेक 3 बिट्स यूजिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्लेक्स में 3 बिट यूज में ली जाती है। पहली बिट रिजर्व होती है नॉट यूज, सेकेंड बिट होती है डी यानी डू नॉट फ्रेगमेंट और थर्ड बिट होती है एम यानी मोर फ्रेगमेंट्स। यदि सेकेंड बिट की वैल्यू 1 हो तब मशीन डेटाग्राम का फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकती क्योंकि सेकेंड बिट है वो होती है डू नॉट फ्रेगमेंट, अगर वो 1 है इसका मतलब उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। तब क्या होगा? और यदि मशीन इस डेटाग्राम को अवेलेबल नेटवर्क के थ्रू पास नहीं कर पाती है तो उसे डिस्कार्ड कर देती है, क्योंकि अगर उस नेटवर्क की MTU से इस डेटाग्राम की साइज ज़्यादा है और अगर इसमें फ्लेक्स में अगर डी बिट है वो सेट है यानी 1 पे सेट है तब आप उसका फ्रेगमेंटेशन तो कर नहीं सकते, तो आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, जो मशीन है वो सोर्स को ICMP मैसेज भेजती है कि इस फील्ड की वैल्यू अगर 0 हो, अगर सेकेंड बिट की वैल्यू अगर 0 हो तो आवश्यकता करने पर डेटाग्राम का फ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है, क्योंकि डी बिट है वो 0 पे सेट होगी तो अब आप फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो। फ्लेक में तीसरी बिट मोर फ्रेगमेंट बिट कहलाती है और यदि इस बिट की वैल्यू 1 है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह डेटाग्राम लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है,
इसका मतलब वन और मोर फ्रेगमेंटेड पैकेट्स आर कमिंग लेटर, और भी एक पैकेट आने वाले हैं। और यदि इस फील्ड की वैल्यू जीरो है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह लास्ट या अकेला फ्रेगमेंट है। फिर आपका आएगा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज द ऑफसेट ऑफ द डेटा इन द ओरिजिनल डेटाग्राम। ओरिजिनल डेटाग्राम में डेटा का ऑफसेट है और ये इट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ 8 बाइट्स। 8 बाइट की यूनिट्स के रूप में इसको मेजर किया जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट यह 13 बिट की वैल्यू फील्ड होती है जो संपूर्ण डेटाग्राम के रेस्पेक्ट में फ्रेगमेंट की रिलेटिव पोजीशन को बताती है। यह ओरिजिनल डेटाग्राम में मौजूद डेटा का ऑफसेट है जिसे 8 बाइट की यूनिट में मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है, एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल जिसमें कोई डेटाग्राम दिया गया है जिसकी साइज है 4000 बाइट, जिसमें पहली बाइट का नंबर है 0000 और लास्ट बाइट है 3999। तो ऑफसेट कैसे निकाला जाएगा, पहली बाइट का नंबर डिवाइड बाई 8, तो आपका ऑफसेट निकल गया। अब इसके तीन फ्रेगमेंट बना दिए गए हैं, ठीक है। तीन फ्रेगमेंट जब बनाए हैं तो पहला जो फ्रेगमेंट बना है उसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी। पहला फ्रेगमेंट है वो 000 से 1399 तक है, तो 000 डिवाइड बाई 8 इक्वल 0, यानी पहला जो फ्रेगमेंट है उसका ऑफसेट आ गया आपका 0। नेक्स्ट फ्रेगमेंट है उसमें पहली बाइट है 1400, तो ऑफसेट आएगा 1400 डिवाइड बाई 8 इक्वल 175। तीसरा फ्रेगमेंट है उसकी पहली बाइट है 2800, तो इसका ऑफसेट होगा 2800 डिवाइड बाई 8 इक्वल 350। तो इस तरह से आप ऑफसेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आईपी फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। अब 4000 बाइट का आपका डेटा है, डेटाग्राम है MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। MTU आपको 1500 बाइट दिए, तो इसका मतलब आपको इसका फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा। अब कैसे फ्रेगमेंटेशन करोगे, वन लार्ज डेटाग्राम बिकम सर्वल स्मॉलर डेटाग्राम्स, एक बड़े डेटाग्राम को स्मॉलर डेटाग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीअसेंबली किस प्रकार की जाएगी, रिसीवर द्वारा आइडेंटिफिकेशन नंबर देख के। अब आप इसमें देख रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको दिया गया है, IDXX दिया गया है, तो तीनों का सेम है। इस आइडेंटिफिकेशन नंबर से रिसीवर ये तय करेगा कि ये तीनों जो है वो एक ही फ्रेगमेंट से बिलोंग करते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन फ्लेग 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 1 है, 001। फ्रेगमेंटेशन फील्ड है वो क्या है आपकी 001, यानी मोर फ्रेगमेंट हो सकते हैं। फिर जो लास्ट का फ्रेगमेंट दिया गया है इसमें फ्रेग फ्लेग है वो 0 दिया गया है, इसका मतलब ये आपका लास्ट फ्लेग है, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू है वो इनकी फर्स्ट बाइट में को 8 से डिवाइड करके निकाली गई है, तो पहली ऑफसेट वैल्यू तो 0 आ गई, दूसरी है वो 1480 डिवाइड बाई 8, क्योंकि 1480 बाइट होती है डेटा फील्ड में। 1480 क्यों हुई, क्योंकि 20 बाइट है वो आपकी हो गई हेडर की, शेष बच गई 1480, तो जो बाइट है वो शुरू होगी 000 से 1479 तक। नेक्स्ट है वो आपका 1480 से स्टार्ट होगा और फिर उसमें फिर 1480 जाएंगी, इसी तरह जो लास्ट जो आपका आएगा उसमें उसकी लेंथ है वो बचेगी 1060 बाइट और उसका ऑफसेट आ जाएगा 370। तो इस तरह से आप ऑफसेट फील्ड है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका IPv4 चेकसम। IPv4 चेकसम यूज द वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, चेकसम ओनली कंप्यूट्स फॉर IP एड्रेस। चेकसम है वो केवल और केवल IP हेडर के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, नॉट फॉर डेटा, क्योंकि अपर लेयर है चेकसम फॉर डेटा पोर्शन, क्योंकि अपर लेयर के पास डेटा पोर्शन के लिए चेकसम होता है, इसलिए IPv4 है वो केवल हेडर के लिए ही चेकसम कैलकुलेट करता है। हेडर ऑलवेज चेंज इन ईच राउटर, हेडर इज चंक टू 16 बिट सेक्शन, हेडर है उसको 16 बिट के सेक्शन में डिवाइड किया जाता है कंप्यूटिंग के लिए। तो इसके अंदर जो
सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो की जाती हैं। पहला, सेक्शन फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो पे सेट की जाती है। एंटायर हेडर को 16 बिट के सेक्शन में डिवाइड करके ऐड किया जाता है तथा प्राप्त रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट करके सेक्शन फील्ड में इंसर्ट कर दिया जाता है। IPv4 के अंतर्गत सेक्शन केवल हेडर को कवर करता है, न कि डेटा को। अभी हमने देखा यह कि केवल हेडर को कवर करेगा, क्यों करेगा? इसके दो कारण हैं। पहला, सभी हायर लेवल प्रोटोकॉल्स जो कि IPv4 डेटाग्राम में डेटा इनकैप्सुलेट करते हैं का स्वयं का सेक्शन फील्ड होता है जो कि होल पैकेट को कवर करता है। अतः IPv4 डेटाग्राम के अंतर्गत सेक्शन एनकैप्सुलेटेड डेटा को चेक नहीं करता। दूसरा, IPv4 पैकेट हेडर प्रत्येक राउटर को विजिट करने के बाद चेंज होता है जबकि डेटा चेंज नहीं होता। अतः सेक्शन केवल उसी पार्ट को इंक्लूड करता है जो कि चेंज होता है। यदि डेटा को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो प्रत्येक राउटर होल पैकेट के लिए सेक्शन रिकैलकुलेट करता है और इस कारण से प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। अब ये एग्जांपल दिया गया है जिसमें ये जो आईपी हेडर दिया गया है इसको 16 बिट के चंक्स में डिवाइड करके उन सबको ऐड कर दिया गया है। ऐड करने के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया गया और उसको सेक्शन फील्ड में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv6। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज करंटली IPv4। करंटली वो IPv4 प्रोटोकॉल यूज में लिया जा रहा है। ऑल्दो IPv4 इज वेल डिजाइंड, डेटा कम्युनिकेशन हैज इवॉल्व्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ IPv4 इन द 1970। IPv4 हैज सम डेफिशिएंसी दैट मेक इट अनसुटेबल फॉर द फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट। तो IPv6 प्रोटोकॉल को IPNG यानी इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल का निर्माण IPv4 प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाली डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए किया गया है। इंटरनेट के अंतर्गत रियल टाइम ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए मिनिमम डिले स्ट्रेटजीज तथा रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। यह फैसिलिटीज़ IPv4 द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके साथ ही इंटरनेट पर कुछ एप्लीकेशन के लिए इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत भी होती है और यह फैसिलिटी भी IPv4 के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है। अतः इन सब के लिए IPv6 प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है IPv6 एडवांटेज। तब इसके एडवांटेज हम पढ़ते हैं। पहला, इसका लार्जर एड्रेस स्पेस। IPv6 में एड्रेस फील्ड की वैल्यू 128 बिट होती है जबकि IPv4 में 32 बिट होती है। अतः IPv4 की तुलना में IPv6 में एड्रेस 2^16 अधिक होता है। दूसरा, इसमें बेटर हेडर फॉर्मेट। IPv6 न्यू हेडर फॉर्मेट का यूज करता है जिसमें ऑप्शन फील्ड बेस हेडर से सेपरेट होती है। अतः जब ऑप्शन की ज़रूरत होती है तब इन्हें बेस हेडर तथा अपर लेयर डेटा के मध्य आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है। इस कारण से राउटिंग प्रोसेस इंक्रीज होती है जबकि ज़्यादातर ऑप्शन राउटर द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा न्यू ऑप्शंस। कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करने के लिए IPv6 में न्यू ऑप्शंस हैं वो ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें अलाउंस फॉर एक्सटेंशंस। IPv6 प्रोटोकॉल न्यू टेक्नोलॉजी के लिए यदि आवश्यक हो तो एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोकॉल को अलाउ करता है। न्यू टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए अगर ज़रूरी हो तो फिर वो एक्सटेंशन को भी अलाउ करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन। IPv6 में टाइप ऑफ सर्विस फील्ड को रिमूव कर दिया गया है परंतु पैकेट को स्पेशल हैंडलिंग के लिए मैकेनिज्म जिसे फ्लो लेवल कहा जाता है को ऐड किया गया है। इस मैकेनिज्म का यूज़ रियल टाइम ऑडियो वीडियो ऐप को सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर मोर सिक्योरिटी। IPv6 प्रोटोकॉल में इनक्रिप्शन तथा ऑथेंटिकेशन ऑप्शन द्वारा डेटा पैकेट्स की इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट इसमें आएगा IPv6 डेटाग्राम हेडर एंड पेलोड। IPv6 पैकेट में बेस हेडर तथा पेलोड, ये दो मुख्य पार्ट होते हैं। अब पेलोड है, उसके भी दो प्रमुख पार्ट होते हैं, एक्सटेंशन हेडर्स जो कि ऑप्शनल होता है, और दूसरा इसमें होता है डेटा पैकेट फ्रॉम अपर लेयर्स। बेस हेडर की साइज़ है वो 40 बाइट होती है तथा पेलोड की साइज़ अधिकतम 65535 बाइट्स तक हो सकती है। बेस हेडर का जो फॉर्मेट है वो देखिए, जिसमें वर्जन ये 4 बिट की फील्ड है, फिर आपका इसमें आती है प्रायोरिटी फील्ड PRI 4 बिट की फील्ड है, उसके बाद में फ्लो लेवल जो कि आपकी 24 बिट की फील्ड हो गई, पेलोड लेंथ आ गया 16 बिट, नेक्स्ट हेडर 8 बिट्स, होप लिमिट 8 बिट्स, सोर्स एड्रेस 128 बिट्स और डेस्टिनेशन एड्रेस 128 बिट्स। तो यहाँ तक इसकी साइज जो है वो हो गई आपकी 40 बाइट्स। अब इसमें नेक्स्ट हेडर में पॉइंटर होता है, एड्रेस होता है जो ओवर हेडर इससे ऐड होता है उसका, फिर उसमें हेडर की लेंथ, इस तरह से इसमें जुड़े रहते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। वर्जन फील्ड, यह 4 बिट की फील्ड होती है जो IP प्रोटोकॉल के वर्जन को डिफाइन करती है। IPv6 प्रोटोकॉल के लिए इस फील्ड की वैल्यू होगी आपकी 6। प्रायोरिटी PRI, यह भी 4 बिट की फील्ड होती है जो कि ट्रैफिक कंजेशन के रेस्पेक्ट में पैकेट को की प्रायोरिटी को डिफाइन करती है। फ्लो लेवल, यह फील्ड 3 बाइट की अर्थात 24 बिट की फील्ड होती है। इस फील्ड को किसी पर्टिकुलर फ्लो ऑफ डेटा के लिए स्पेशल हैंडलिंग प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट इसमें आपकी आएगी पेलोड लेंथ, यह 2 बाइट की फील्ड अर्थात 16 बिट की फील्ड होती है जो कि IP डेटाग्राम के पेलोड की लेंथ को डिफाइन करती है। इस लेंथ में बेस हेडर शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट हेडर, यह 8 बिट की फील्ड है तथा इसके द्वारा डेटाग्राम में बेस हेडर को फॉलो करने वाले हेडर को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हेडर या तो IP द्वारा यूज किए जाने वाले ऑप्शन एक्सटेंशन हेडर हो सकता है या TCP अथवा UDP द्वारा एनकैप्सुलेटेड पैकेट का हेडर हो सकता है। प्रत्येक एक्सटेंशन हेडर में भी नेक्स्ट हेडर फील्ड होती है। IP वर्जन 4 प्रोटोकॉल में यह फील्ड प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है। IPv6 पैकेट्स के लिए नेक्स्ट हेडर फील्ड की वैल्यू है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए अलग अलग उसका कोड निर्धारित होता है। फिर इसमें नेक्स्ट आपकी आएगी होप लिमिट, यह 8 बिट की फील्ड है जो कि IPv6 पैकेट्स को डेटा ट्रांसमिशन के दौरान उसकी लाइफ है उसको डिफाइन करती है। इस फील्ड का यही कार्य है जो IPv4 पैकेट में TTL फील्ड का होता था, यानी टाइम टू लीव फील्ड। नेक्स्ट इसमें आएगी आपकी सोर्स एड्रेस, इस फील्ड की साइज 16 बाइट अर्थात 128 बिट है। यह फील्ड डेटाग्राम के ओरिजिनल सोर्स को डिफाइन करती है। डेस्टिनेशन एड्रेस, नेक्स्ट फील्ड आपकी, यह फील्ड डेटाग्राम के फाइनल डेस्टिनेशन को डिफाइन करती है और इस फील्ड की साइज भी 16 बाइट अर्थात 128 बिट होती है। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका एक्सटेंशन हेडर्स, बेस हेडर की जो लेंथ है वो फिक्स अर्थात 40 बाइट होती है, परंतु यदि IP डेटाग्राम को ग्रेटर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी हो तो बेस हेडर के साथ अधिकतम 6 एक्सटेंशन हेडर ऐड किए जा सकते हैं। इन हेडर्स में ज़्यादातर हेडर IPv4 पैकेट में यूज लिए जाने वाले ऑप्शन की भांति ही होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आ गया आपका कंपेरिजन बिटवीन IPv4 एंड IPv6। तो द हेडर लेंथ फील्ड इज अनलिमिटेड इन IPv6 बिकॉज द लेंथ ऑफ द हेडर इज फिक्स्ड इन दिस वर्जन। हेडर लेंथ वो लिमिटेड होती है, फिक्स होती है। द सर्विस टाइम फील्ड इज अनलिमिटेड इन IPv6। द प्रायोरिटी एंड फ्लो लेवल टुगेदर टेक ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्विस टाइप फील्ड। टोटल लेंथ फील्ड इज अनलिमिटेड इन IPv6 एंड रिप्लेस्ड बाय द पेलोड लेंथ। ये कंपेरिजन हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स एंड ऑफसेट फील्ड्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम
base header in IPv6. They are included in the fragmentation extension header. The TTL field is called hop limit in IPv6, and the protocol field is replaced by the next header field. Or the header checksum is eliminated because the checksum is provided by the upper layer protocols. It is therefore not needed at this level. Header checksum field है वो यहाँ से हटा दी गई है क्योंकि upper layer द्वारा checksum provide किया जाता है, तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है. Option field in the IPv4 has implemented as an extension header in IP version 6. ऑप्शन फील्ड है वो एक्सटेंशन हेडर के रूप में इम्प्लीमेंटेड होती है IPv6 में. ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6. बिकॉज ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम ऑन द इंटरनेट, द ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 कैन नॉट हैपन सडनली. इट टेक ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर एवरी सिस्टम इन द इंटरनेट कैन मूव फ्रॉम IPv4 टू IPv6. The transition must be smooth to prevent any problem between IPv4 and IPv6. अब IPv4 से IPv6 में जो transition होगा वो इतना आसानी से नहीं होगा, एक considerable amount of time इसमें लगेगा. The transition must be smooth to prevent any problem. और transition इस तरह से होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई problem ना आए. तो इसमें देखते हैं 3 transition strategies कौन कौन सी हैं. Dual state, tunneling और फिर है हेडर ट्रांसलेशन. डूल स्टेक है उसमें क्या होगा, होस्ट यूजेड DNS क्वेरी रिजल्ट टू डिटरमाइन विच IP टू यूज. इसके अंदर क्या होगा, DNS क्वेरी है वो यूज मिली जाएगी IPv4 टू IPv6. ट्रांसपोर्ट एंड अपर लेयर इस तरह से होंगे, टू IPv4 सिस्टम और टू IPv6 सिस्टम. इस तरह से 2 स्टेक बना दी गई हैं, एक IPv4 के लिए और एक IPv6 के लिए. नेक्स्ट है टनलिंग स्ट्रेटर्जी. इसमें क्या होगा, एक टनल होती है पॉपुलर यूज्ड राइट नाउ इन मेनी कंट्रीज. इस स्ट्रेटर्जी का उपयोग है वो बहुत सारी कंट्रीज में किया जा रहा है, ये पॉपुलर है. इसमें IPv6 होस्ट, जिसमें IPv6 हेडर उसके साथ पेलोड. टनलिंग जो टनल होती है उसमें क्या होता है, एक IPv4 हेडर और ऐड कर दिया जाता है इसके साथ, ताकि आसानी से कम्युनिकेशन हो सके. और फिर जैसे ये डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो वो IPv4 हेडर है वो रिमूव कर दिया जाता है. टनल द्वारा IPv4 हेडर इसमें ऐड किया जाता है. नेक्स्ट है हेडर ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी. इसमें क्या होगा, IPv6 होस्ट है वो एक पेलोड यानी डेटाग्राम भेजता है जिसमें IPv6 हेडर और पेलोड होता है. IPv6 से अगर आप IPv4 वाले रीजन में जाओगे तो जिस राउट जो होता है वहाँ पे हेडर ट्रांसलेशन होता है. यहाँ पे IPv6 रीजन से अगर हम IPv4 रीजन में जाएंगे तो हेड जो राउटर होगा वहाँ पे IPv6 का जो हेडर है वो IPv4 हेडर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये 3 प्रमुख स्ट्रेटजी थी ट्रांजिशन टू IPv6 टू IPv4 के लिए. इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है. धन्यवाद.